एक मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक तरीका था जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरिया जो है वो बेचारा मर जाता है। एक और भी तरीका है, ये बिलफर्स बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके ऊपर एंटीजन था, उस एंटीजन को एंटीबॉडी ने रिकॉग्नाइज किया, इसका एफसी पोर्शन एक्टिवेट हुआ तो उस पर C1 आके एक्टिव हो गया, C1 ने C4B को एक्टिवेट किया, C4B ने C2B को एक्टिवेट किया, C2B ने C3B को एक्टिवेट किया और C4A B3 जो है वो सारे जो निकल गए। जब इसकी एक्टिवेशन हो जाती है तो ये जो C3B है, मैंने कहा था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस C3B के लिए फैगोसिटिक सेल्स के ऊपर भी रिसेप्टर्स होते हैं। किसके ऊपर? फैगोसिटिक सेल्स। फैगोसिटिक सेल्स में कौन कौन से हैं? एक न्यूट्रोफिल्स हैं, क्या है? न्यूट्रोफिल्स, और एक हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं। ये दोनों क्या है? फैगोसाइटोसिस करते हैं। मैक्रोफेजेस मतलब बहुत बड़े ईटर हैं, ये बैक्टीरिया को पूरा पूरा निगल लेते हैं, उसको खा लेते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस, इन दोनों के सेल के ऊपर C3B के लिए रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं। क्या पड़े हुए होते हैं? रिसेप्टर। तो जब ये C3B एक्टिवेट हो जाता है और ये किसी न्यूट्रोफिल या किसी मैक्रोफेज के ऊपर पास हो, तो मैक्रोफेज जो है उसके ऊपर बड़े स्पेशल किस्म के, मैक्रोफेज को किसी और कलर से बना लेते हैं, जो मैक्रोफेज है ये मैक्रोफेज के ऊपर बड़े स्पेशल किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि C3B को रिसीव करेंगे। क्या करेंगे? C3B को रिसीव करेंगे, इसको बोलेंगे C3B रिसेप्टर्स, ठीक है। एक मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस के ऊपर साइट्स होती हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि C3B को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये C3B मैक्रोफेज का पार्ट था। किसका पार्ट था? मैक्रोफेज का। ये एक मैक्रोफेज है, ये क्या है हमारे पास? एक मैक्रोफेज है जिसमें C3B अटैच हो गया C3B रिसेप्टर के साथ। C3B रिसेप्टर किसका पार्ट है? मैक्रोफेज का पार्ट है। C3B उसके साथ अटैच हो गया, तो अब मुझे बताओ कि ये जो बैक्टीरिया है, ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कहीं भाग पाएगा? मतलब क्या हुआ कि हम बैक्टीरिया को कई तरीकों से मार सकते हैं। एक तो हमने उसमें ड्रिलिंग कर दी मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स की वजह से, तो उसे तो वो मर गया, समझ भी आ गई। दूसरा तरीका क्या है कि हम अपने दुश्मन को एक संगल के साथ, एक जंजीर के साथ बांध दें और उसको किसी कुत्ते या किसी शेर या किसी रीछ के आगे फेंक दें, तो क्या वो बच जाएगा? वो रीछ उसके, मतलब वो जो शेर है वो उसकी चीर पाड़ कर देगा, या वो कुत्ता जो बड़ा भूखा कुत्ता है और बुलटेरिया है वो तो उसकी चीर पाड़ कर देगा। तो इस तरीके से भी बैक्टीरिया मार सकते हैं कि इस एंटीबॉडी ने C3 5B तक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया, फिर जो C3B है उसके रिसेप्टर्स मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स के ऊपर थे, तो उसके साथ जाके अटैच हो गया। तो अब ये जो मैक्रोफेज है इससे ये बैक्टीरिया कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक हाथ से जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसने मैक्रोफेज को पकड़ लिया, दूसरे हाथ से उसने बैक्टीरिया को पकड़ लिया, तो अब ये बैक्टीरिया तो कहीं जा नहीं सकता। इस बैक्टीरिया ने बिल आखिर आके मैक्रोफेज में इनगल्फ होना है और इस तरीके से ये बैक्टीरिया मर जाता है। तो इस तरीके से भी बैक्टीरिया की किलिंग हो सकती है ड्यू टू मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। यहां पर यह बात डिस्कस करने का जो मकसद था, वो मकसद ये था कि इस पूरे प्रोसेस को, जब मैक्रोफेज इस तरीके से एक बैक्टीरिया को खाता है कि उसके दरमियान कोई लिंक आ जाए, कोई चीज, कोई बंदा उस मैक्रोफेज के लिए बैक्टीरिया को बांध ले, पकड़कर मैक्रोफेज के सामने लाए, तो इस पूरे प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है ऑप्शनाइजेशन। क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शनाइजेशन। व्हाट इज ऑप्शनाइजेशन? ऑप्शनाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑप्शनिन मॉलिक्यूल, वो वाला मॉलिक्यूल, अभी मैं बताता हूं, जिसमें एक ऑप्शनिन मॉलिक्यूल एक साइड से पार्टिकुलेट मैटर के साथ बाइंड करे और दूसरे साइड से फैगोसाइटिक सेल के साथ बाइंड करे और फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है उसको इनहांस करे। इस तरीके के जो प्रोसेस होता है उसको ऑप्शनाइजेशन बोलते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जो ऐसा काम करते हैं उसको ऑप्शनिन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शनिन मॉलिक्यूल। जैसे यहां पर जो C3B है, ये C3B एज अ ऑप्शनिन मॉलिक्यूल काम कर रहा है, क्योंकि ये एक साइड से मैक्रोफेज के साथ अटैच हुआ, दूसरी साइड से ये एंटीबॉडी के थ्रू बैक्टीरिया के साथ अटैच हुआ। तो अब क्या है कि फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है मैक्रोफेजेस का वो इनहांस हो गया, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑप्शनाइजेशन बोलेंगे।
इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शनाइजेशन। और इस C3B जो मॉलिक्यूल है इसको बोलेंगे ऑप्शनिन मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शनिन मॉलिक्यूल। ये तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जरिए हुआ। एक हमारे पास ऑप्शनाइजेशन IgG जो हमारे पास एंटीबॉडी है, कौन से वाली? IgG जो क्लास है, वो IgG क्लास बिलफर्ज ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, एंटीजन था, उस पर IgG आके बाइंड कर गया। तो IgG की जो हमारे पास पोर्शन है, FC पोर्शन है, इस FC पोर्शन के ऊपर भी हमारे पास कुछ डोमेन्स होते हैं जिनके लिए रिसेप्टर मैक्रोफेज के ऊपर होते हैं। ये जो IgG है इसके FC पोर्शन पे हमारे पास मैक्रोफेज बाइंडिंग साइट्स होती हैं, वो खुल जाती हैं डायरेक्टली। तो मैक्रोफेज डायरेक्टली आके IgG के साथ बाइंड करेगा और उस बैक्टीरिया को खा लेगा। तो एक हमारे पास ऑप्शनिन मॉलिक्यूल की एग्जांपल क्या हुई? C3b जो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, और एक हमारे पास IgG जो कि एक एंटीबॉडी है। तो इस तरीके से हमारे पास इनडायरेक्ट किलिंग ऑफ क्या, इनडायरेक्ट किलिंग ऑफ बैक्टीरिया भी हुई। मतलब पहले उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू बैक्टीरिया जो है वो इंगल्फ हो गया बाय मैक्रोफेज, और डायरेक्ट किलिंग भी हुई कि जब एंटीबॉडी आई, एंटीबॉडी के कौन से वाले? IgG, उसके FC पोर्शन पे मैक्रोफेजेस बाइंडिंग साइट से, तो उनकी बाइंडिंग की वजह से मैक्रोफेज और बैक्टीरिया जो है वो आपस में बाइंड कर जाएंगे और बैक्टीरिया जो है वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारा जो एंटीबॉडी है वो बैक्टीरिया को मार सकती है बाय इन्वॉल्विंग फैगोसाइटिक सेल्स जो कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस हैं। तो अब दोबारा से वो डेफिनेशन याद करो कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो इनहांस करते हैं एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी एंड फैगोसाइटिक सेल्स टू किल द माइक्रोब। तो तीन तरीकों से न्यूट्रोफिल्स भी उसको मारेगा, फैगोसाइटोसिस डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हमारे पास न्यूट्रोफिल भी मारेगा और मिम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स भी मारेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। तो ये तो हो गया हमारे पास एक पाथवे, और उसके अंदर ऑप्शनाइजेशन दरमियान में आ गई, और वो पाथवे था क्लासिकल पाथवे।